हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू परमाईक्यू के इस वीडियो में हम एंटी नेट दिसंबर 2019 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट टू है। पार्ट वन में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इसमें से हम 25 से लेकर 50 क्वेश्चन को देखेंगे। मेरा नाम है देविंदर सिंह और मैं 3 बार यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। यदि आपको भी हिस्ट्री का नेट क्लियर करना है तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सिलेबस बहुत वास्ट है, इतने लंबे वास्ट सिलेबस को याद नहीं रखा जा सकता, इसलिए क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ थोड़ा प्रैक्टिस के साथ हम करेंगे। यही इसमें हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। यदि आपको दिसंबर 2019 हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इसका आपको पूरा PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो विदाउट ए वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं? ऑप्शन ए एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजुल आंध्र प्रदेश राजुल मडेगिरी, ऑप्शन सी है मस्की कर्नाटका या ऑप्शन डी सनाती कर्नाटका। तो ये पाए गए थे एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश से और सनाती कर्नाटका से। ए और डी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में हम अक्सर यह गलती कर देते हैं कि नहीं, हम भूल जाते हैं, हम उसी को देखते हैं जो सही होता है, लेकिन कई बार नहीं पूछा जाता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। इसमें 4 लेखक दिए हुए हैं और पुस्तकें हैं। इनायत खान के द्वारा लिखा गया था शाहजहाँनामा, भीमसेन ने लिखा था नुक्शाए दिल खुशा, और मोहम्मद काजीम के द्वारा लिखा गया था आलमगीरनामा, और मोहम्मद वारिस ने लिखा था बहार आज़म। ये बिल्कुल गलत है, मोहम्मद वारिस ने बहार आज़म नहीं लिखा, बहार आज़म लिखा था अब्दुल कादर नाज़ीर ने। इसका 4th ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें जो नहीं लिखा वो पूछा गया है। 28वां क्वेश्चन है, गुलबर्ग की जामी मस्जिद के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? सही बताना है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन सी सही है कौन गलत है ये हमने देखना है। भारतीय और ईरानी तत्व ऐसे गुथे हुए थे कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता था। बी ऑप्शन है संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त शतदार भवन थे, और सी ऑप्शन इसमें खुला प्रांगण है, और डी ऑप्शन में 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित थी। इसमें खुला प्रांगण है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक हमें गुलबर्ग की जामी मस्जिद की डायमेंशंस नहीं पता तब तक हम ऐसे क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए बी और डी, 2 इसका राइट आंसर है। 29th क्वेश्चन है, क्लासिक संस्कृति के दिल्ली स्थित दीर्घपाल बावली ब्लेक में संभवतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शैर्यरत हैं, यह किस राजा के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में, क्योंकि ग्यासुद्दीन बलबन न्यायप्रिय राजा था। अक्सर ये उसके बारे में उसके साम्राज्य में यदि हम उसकी पढ़ेंगे उसका कार्यकाल, तो उसमें यह कहा गया है कि वो काफ़ी कट्टर था, लोगों में उसका काफ़ी भय भी था, जिस कारण उसके बारे में ऐसी धारणा थी कि वो ऐसा राजा है कि जो भगवान विष्णु भी हैं वो भी समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक रह रहे हैं, उसके कार्यकाल में इतनी शांति है। तो वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था 1266 से लेके 1267। और यदि बात करें फ़िरोज़ तुगलक की, तो फ़िरोज़ तुगलक का अंतिम शासक था तुगलक वंश का, इसका कार्यकाल था 1351 से लेके 1388। बात करें इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सफल शासक था, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। 30th क्वेश्चन है, मैकथनीज के अनुसार एस्ट्रोनोमोई मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था? ये था जिला प्रशासन का प्रभारी। 3 ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? फरमान जारी किए जाते थे राजाओं के द्वारा। 3 ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नांकित मुगल शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मुगल शासक हैं 4, इनको अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाना है, फ्रॉक्सियर जहांदर शाह बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरे मुगल शासकों को एक पेज पे अलग से लिख लेना, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिख लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इनके जीयर्स का थोड़ा थोड़े फर्क होता है, जिस कारण हम ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग में आ जाते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। फ्रॉक्सियर का टाइम था 1713 से लेकर 1719 तक, लगभग 4 साल रहा। और जहांदर शाह का टाइम था 1712 से लेके 1713 तक, ये लगभग 1 ही साल रहा, लगभग पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, 350 दिन के आसपास ही रहा। और बहादुर शाह का टाइम था 1707 से लेके 1712 तक, ये
बहादुर शाह जो औरंगजेब के बाद दोबारा फर्स्ट शासक बना था औरंगजेब का, के बाद इसका समय समय था 1707 से 1712 तक, ये लगभग 4 साल का समय पीरियड था इसका। तो वहीं बात करें मोहम्मद शाह की, उसका 1719 से लेके 1748, ये लगभग 28 साल तक रहा, सबसे ज़्यादा लंबे समय इसी ने शासन किया। तो इस हिसाब से इनका क्रोनोलॉजिकल यदि ऑर्डर देखें तो ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन होगा, पहले आएगा सी, फिर बी, फिर ए और फिर डी। 33 क्वेश्चन है, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखे गए किस नाटक में बंगाल के बागान मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया था? ये किया गया था नील दर्पण में, नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, और सदाबहार एकादशी ये भी दीनबंधु मित्र के द्वारा ही लिखा गया है। कमले कामनी एक सरस्वती वंदना है, और ये लीलावती ये भास्कर की रचना है, ये भास्कर द्वारा लिखा गया था, इसका राइट ऑप्शन एक होगा। 34 क्वेश्चन है, निमांकित में से कौन शहनशाह के चित्रकार थे? ऑप्शन ए मोहम्मद नादिर समरकंदी, बी ऑप्शन है अब्दुल समद, सी है मीर हाशिम, डी है मीर सैयद अली। तो शहनशाह के चित्रकार थे एक तो मोहम्मद नादिर समरकंदी और दूसरे थे मीर हाशिम, ये दोनों ए और सी इसका राइट ऑप्शन होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। 35 क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? फिर से क्वेश्चन में नहीं को हाईलाइट किया गया है, तो नहीं के ऊपर ध्यान रखना। ये थी आत्मबग्गा जागीर, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इसका आंसर है। 36वां क्वेश्चन है, भारत में नामांकित यात्रियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सिद्दी अली राइस, अल बरूनी, विलियम फिंच या इब्न बतूता, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है हमने। तो अल बरूनी आए थे 973 से लेके 1048 ईस्वी में, और विलियम फिंच आए थे 1600 में, ये कैप्टन हॉकिंग के साथ आए थे जहांगीर के दरबार में, और इब्न बतूता ये 1342 में आए थे 1342 में। इस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सिद्दी अली राइस का तो इस बनता है ऑप्शन बी पहले आएगा, डी बाद में, ए बाद में और सी बाद में, 3 ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। 37th क्वेश्चन है, आरंभिक तमिल साहित्य निमांकित में से किसका साक्ष्य दर्शाता है? ऑप्शन ए है जाति प्रथा की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी जटिल राजनीतिक और आर्थिक तंत्र, थ्री ऑप्शन है अर्थ प्रभाव की में वृद्धि, एक कठोर जाति व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है। इसमें से हमें ये पता करना है कि तमिल साहित्य निमांकित में से किसका साक्ष्य दर्शाता है। तो तमिल साहित्य को यदि ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर जाति प्रथा की अनुपस्थिति थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन एक होगा। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार लगाएं, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा और बॉम्बे एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा आई थी 1884 में, मीर राघव राय और सुब्रमण्यम अय्यर इसके संस्थापक थे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1618 में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोविंस बना था। पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में बनी थी और बॉम्बे एसोसिएशन बनी थी 1852 में। इस हिसाब से ऑप्शन डी, सी, ए और बी, 4 आंसर इसका होगा। 39th क्वेश्चन है, निमांकित में से कौन भारत में ज्ञात विभालतम मध्यपाषाण वाष्क क्षेत्र है? ऑप्शन ए बाघौर, ऑप्शन बी चौपानी मांडो, ऑप्शन सी कौडिलवा, ऑप्शन 4 है महगढ़ा। बाघौर, बाघौर पड़ता है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, चौपानी मांडो ये पड़ता है इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में, और कौडिलवा यूपी में पड़ता है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निमांकित में से कौन भारत में ज्ञात विभालतम मध्यपाषाण वाष्क क्षेत्र है, जहाँ पर यह है बाघौर, ए ऑप्शन इसका सही होगा, बागौर। 40वां क्वेश्चन है, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन यह है कि लगभग 1750 में बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नाव परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोती के प्रयोग को प्राथमिकता दी थी। तर्क क्या है, वह निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को सुपुर्द कर रहे थे जिस अंग्रेजों के पास जिसका विशेष अधिकार था। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय मैंने पीछे भी बताया था कि आपको इसमें बीच में क्योंकि लगा के इसकी सेंस को पढ़ना है, यदि आप ऐसे इसको यदि जस्टिफाई कर पाएँ तब ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो लगभग 1715 में बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नाव परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोती के प्रयोग को प्राथमिकता दी क्योंकि वह निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को सुपुर्द कर रहे थे जिसका जहाज
अंग्रेज़ों के पास विशेष अधिकार था। तो ऐसे क्वेश्चन को यदि क्योंकि लगाएं तो ये जस्टिफाई होता है। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है, एक ऑप्शन इसका सही होगा। 41th क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा का विरोध किया था? ये थे टोटल 18 राजा थे जिन्होंने मगध के राजा का विरोध किया था। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इसका जिक्र किया गया है। 42nd क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में लगाएं, सिकंदर, अंतिरॉक्स, एंटीगोन्स और टॉलमी। जब ये क्वेश्चन को मैंने एग्ज़ाम में देखा ना तो मैं कंफ्यूज तो था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको याद है अशोक के शिलालेखों को ध्यान से जाके देखना होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाते हैं। क्योंकि मैंने एग्ज़ामिनर का देखा कि एग्ज़ामिनर ने कितनी डीपली ये क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत टफ क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो ये गलत हुआ होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप लोगों को केवल इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रख लेना चाहिए, सिकंदर का, एंथीरॉक्स, एंटीगोनस या टॉलमी का। तो यदि इनका क्रोनोलॉजिकल आपको पता है उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अशोक के शिलालेखों में इनका वर्णन किया हुआ है। इस हिसाब से सबसे पहले आए थे एंथीरॉक्स, उसके बाद आए थे टॉलमी, फिर आए थे एंटीगोनस, फिर आए थे सिकंदर। ऑप्शन बी, डी, सी, ए, तीन ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। 43rd क्वेश्चन है, किसके यात्रा वृत्तांत में भारतीय जनता की भौतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है? भौतिक व्यवस्था का वर्णन लगभग सभी ने किया है, लेकिन जो चार राइटर दिए हुए हैं उनकी चार बुक्स हैं साथ में, उनकी किस बुक में भारतीय जनता की भौतिक अव्यवस्था का वर्णन किया गया है? ये तो हम या तो इन क्वेश्चंस को या तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर मिलने वाला ऐसे तो नहीं है, या तो हमें इनकी किताबों को पढ़ना होगा तभी ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, या फिर आप इन बुक्स को ध्यान से पढ़िए और इन राइटर्स को ध्यान से ध्यान में रखिए तभी आप थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। जैसे इब्न बतूता का किताबुल रहेला के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि किताबुल रहेला किसकी रचना है, इब्न बतूता की, और रेमन स्ट्राई, ये फ्रांसिस्को पैलस्टार्ट की है, और फ्रांसो बर्नियर ने लिखा था ट्रैवल इन द मुगलर एम्पायर, और जीन बाइपिस्ट टैवनियर का था ट्रैवल इन इंडिया। ये बुक्स के नाम भी अलग से आप नोट कर लिए, मैंने तो ऐसे किया था, सभी जितने राइटर हैं उनके कम से कम 50 बुक्स हैं, उनकी अलग मैं नोट बना के रखा हुआ है, उसको बार बार रिवाइज करता हूँ तभी मुझे ये याद रह जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी कर पाएंगे यदि आपके पास ऐसी स्किल है जिसमें आपने नोट कर रखा है कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ये एक काम किया था, इस भारतीय जनता की वृत्तांत का बारे में बताया था फ्रांसिस्को पैलस्टार्ट ने, अपने ही उनकी बुक थी रेमन स्ट्राई में। ऑप्शन दो इसका राइट ऑप्शन होगा। 44th क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थनी मानव पाए गए हैं? ये पाए गए हैं हथनौरा से, चार ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 45 क्वेश्चन है, निमांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हमने सही सुमेलित देखना है इनमें से, बाकी कुछ गलत हैं, कुछ सुमेलित सही कर रखे हैं उन्होंने, इसी क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़ना है। सूबा होता है तरफदार, ये पदाधिकारी होता है सूबा का, और परगना सरदार को नहीं कहते, और सरकार जो होती है ये फौजदार होता है, ये सही है, और डी ऑप्शन में है वतन वतनदार, ये भी गलत है। इस प्रकार से ए और सी इसका राइट ऑप्शन होगा, एक आंसर इसका सही होगा। 46 क्वेश्चन है, फिरदौस मकानी बाबर के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुवादित कर निमांकित में से किसने अकबर के सामने पेश किया था और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी थी? ऑप्शन ए है अब्दुल रहीम खानी खाना, बी है अब्दुल फजल, सी है बदयूनी, या चार ऑप्शन है फेजी। ये प्रशंसा का काम किया था अब्दुल रहीम खान खाने ने, ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। 42nd क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेज़ों ने जो उपनिवेशिक भारत में विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों को सही लगाना है, कि अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर काम करना, जब अंग्रेज़ आ गए थे उन्होंने आने के बाद भारत में जो जो भी काम किए हैं उसका भारतीयों के ऊपर क्या असर हुआ था, उपनिवेशिकवाद का भारत के विज्ञान का खास तौर पर पूछा गया क्वेश्चन में। ए में पूछा गया 19वीं सदी में भारतीय विज्ञान शिक्षा यूरोप केंद्र पिसारी और प्रदत्ववादी था, बी ऑप्शन है महेंद्रलाल सरकार के लिए राजनीतिक राष्ट्रीयकूटवाद का विज्ञान और उसकी मार्गदर्शक के बिना कोई अर्थ नहीं रहता, ऑप्शन सी है राज्य की सफलता और औपनिवेशिक विज्ञान को उन विषितैषी और भारतीय हितों को बढ़ावा देने वाला बनाया गया, और ऑप्शन डी है औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशिकवाद को
ताने बाने के साथ जटिल रूप में बना हुआ था। तो ए बी और डी इसका राइट ऑप्शन है, सी इसका बिल्कुल गलत है कि राज्य की सफलता और औपनिवेशिक विज्ञान को उन हितैषी और भारतीय हितों को बढ़ावा देने वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था। इस प्रकार ए बी और डी चार ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 48th क्वेश्चन है, बल्क व बदख्शां पर मुगल सैनिक के अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, देखना है इसमें कौन सा सही है, कुछ गलत भी दिए हैं। मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें, ये तो बिल्कुल सही है। और शाहजहां बल्ख व बदख्शां के शासन नज़र मोहम्मद को दंड देना चाहता था जिसकी काबुल पर निगाहें थी, ये भी बिल्कुल सही है। शाहजहां दाराशिकोह को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था, बिल्कुल गलत है। शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदख्शां की जागीर देना चाहता था, ये भी गलत है। इसलिए एक और दो इसका राइट आंसर होगा, उस हिसाब से बनेगा तीन, ऑप्शन तीन एक और दो इसका राइट आंसर है। 49th क्वेश्चन है, अभिलेखों के साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे? खारवेल, हर्षवर्धन, रुद्रदामन या समुद्रगुप्त? तो हर्षवर्धन और रुद्रदामन तो नहीं थे, खारवेल और समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन में समुद्रगुप्त का तो स्पष्ट था ना, वो उसके जो सिक्के थे उनमें भी उसको संगीत में वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो खारवेल और समुद्रगुप्त दो ऑप्शन इसमें सही हैं। इस प्रकार इसका आंसर होना चाहिए ए और डी, ए और डी इसमें दो में बैठता है, तो दो इसका राइट ऑप्शन होगा। 50th क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी, ये तो बिल्कुल सही है। वे प्राचीन शास्त्रों के पुनर्व्याख्या में विश्वास रखते थे, ये गलत है। उन्होंने अधिक वैज्ञानिक शिक्षा के परस्पर के लिए अधिक प्रयास किए, ये भी सही है। उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधारों के लिए काम किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को यदि हम पढ़ें तो वो उस शास्त्रों की पुनर्व्याख्या के तो बिल्कुल खिलाफ थे। इस प्रकार बी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत होगा, ए सी और डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये है एक में ए सी और डी, ये इसका राइट आंसर है। ये था कंप्लीट एनालिसिस 25 से लेके 50 क्वेश्चंस का। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप एक बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।